Hello everyone, I welcome you to my YouTube channel Brainstorm with Deepak Verma. आज चाइना के मुद्दे पर बात करने से पहले सबसे पहले मैं पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए 20 भारतीय जवानों की शहादत को शत शत नमन करता हूँ, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जो किसी परिवार का बेटा रहा होगा, जो किसी परिवार में किसी का भाई रहा होगा, कोई किसी परिवार में किसी का एकमात्र सहारा रहा होगा, तो उनको मैं शत शत नमन करता हूँ। देखिए दोस्तों, आए दिन पाकिस्तान भारत पे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा अटैक करता रहता है, चाहे वो पुलवामा अटैक हो तो चाहे वो हो 26/11 मुंबई अटैक। इसके लिए पाकिस्तान को कौन उकसाने काम करता है? इसके लिए अगर कोई पाकिस्तान को उकसाने काम करता है तो वो है केवल और केवल चीन। और चीन वो देश है जिससे भारत को और जिससे भारत को सबसे ज़्यादा खतरा है। और भारत ही क्यों, आने वाले टाइम में पूरी ही दुनिया को चीन से सबसे बड़ा खतरा होने वाला है। एक वो देश चीन जो भारत को सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट सेल करता है और भारत से सबसे ज़्यादा इनकम अर्न करता है, वो देश पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है और वही पाकिस्तान उन हथियारों का यूज़ करता है इंडिया के ऊपर और इंडिया के आए दिन जवानों को मारता रहता है। तो आज से हमें सभी भारतीयों को ये शपथ लेनी होगी कि आज से और अभी से हम चाइना का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अकेली भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती है, अकेले हमारे सेना के जवान कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक हम सभी भारतीयों का अपनी गवर्नमेंट के प्रति सपोर्ट नहीं होगा, अपने जवानों के प्रति सपोर्ट नहीं होगा। अगर हमें आज के टाइम में चीन को कमज़ोर करना है तो उसको कमज़ोर करने के लिए सबसे पहले हमें उस पर इकोनॉमिकली अटैक करना होगा। जो चीन भारत को इतनी बड़ी मात्रा में अपने सामान बेचता है और हमसे ही अर्निंग करता है और हमारा ही पैसा हमारे ही ऊपर आतंकवाद के तौर पे यूज़ करता है, तो सबसे पहले हमें उस जड़ को ख़त्म करना होगा। तो वो जड़ ऐसे तो ख़त्म नहीं हो पाएगी। उस जड़ को ख़त्म करने के लिए हम सभी भारतीयों को, 125 करोड़ देशवासियों को ये प्रण लेना होगा कि हम आज से कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। अगर मेरी जानकारी में कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट होता है तो मैं तो कभी नहीं खरीदूंगा। और ख़रीदने से पहले अगर मुझे ये नहीं मालूम होगा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाइनीज़ है या नहीं है, तो उसको ख़रीदने से पहले मैं एक बार नेट से गो थ्रू होऊंगा और उसके बारे में देखूंगा। दूसरा, हम जो भी चाइनीज़ एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो शेयर इट हो, हमें उनको भी अनइंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल से। क्यों? क्योंकि चाइना उन एप्लीकेशन के थ्रू भी इंडिया से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अर्न करता है रुपीज़ करेंसी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मुद्दा ये अराइज होता है कि हमें कुछ एप्लीकेशन के बारे में तो मालूम है कि हाँ ये पर्टिकुलरली एप्लीकेशन चाइना से बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ के बारे में हमें मालूम नहीं है। तो उसके लिए मैंने बेसिकली एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अभी गलवान घाटी में जो हमारे 20 जवानों ने शहादत दी है उसके पीछे बेसिकली एक रीज़न है। देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में दो एग्रीमेंट हुए हुए हैं। पहला एग्रीमेंट ये हुआ है कि LOC पर ना तो चीन और ना ही इंडिया कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है, जैसे रोड बनाना या फिर बंकर बनाना। और दूसरा है कि जब चाइनीज़ सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स LOC पर पेट्रोलिंग कर रहे होंगे उस वक्त वो कोई भी हथियार का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जब चीन की अपनी बारी आती है तो चीन सब कुछ भूल जाता है। उसने अपने यहाँ पर एक सड़क का भी निर्माण कर लिया है कि अगर युद्ध जैसी कंडीशन बनती है, युद्ध के हालात बनते हैं, तो वो एकदम से अपनी सेना को वहाँ पर उतार सके। दूसरा, चीन के सैनिक जब भी पेट्रोलिंग करते हैं इंडिया और चीन सीमा पे, तो वो लोहे की रोड लेके
पेट्रोलिंग करते हैं कि अगर उनकी इंडियन आर्मी से झड़प होती है तो वो उनका यूज कर सकते हैं। अब इसी चीज को देखते हुए जब भारत ने भी अपने सीमा के अंदर अंदर सड़क निर्माण करना शुरू किया तो चीन को परेशानी होनी शुरू हो गई। चीन ने सोचा कि अगर भारत इस सड़क का निर्माण कर लेता है तो अगर युद्ध जैसे हालत बनते हैं तो क्या होगा, भारत भी एकदम से अपनी सेनाओं को वहां पर उतार देगा। तो इसीलिए चीन के सैनिकों ने दखलंदाजी करनी शुरू करी और इसीलिए उस सड़क के निर्माण को रोकने के लिए चाइना ने हमारी सीमा के अंदर प्रवेश किया और दूसरा उसने हमारे सैनिकों के साथ झड़प की और साथ ही साथ उसने काफ़ी हिंसा भी की। तो आज मैं आप सभी से ये अपील करता हूँ, चाहे वो चीन का कोई भी बना हुआ प्रोडक्ट हो, चाहे वो चीन का कोई भी बना हुआ एप्लीकेशन हो, जिन भी ऐप को हम यूज़ करते हैं, टिकटॉक पिकटॉक वगैरह जो भी हैं, ठीक है, इन सभी को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दीजिए और साथ ही साथ कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ और भी बातें शेयर करना चाहता हूँ। चीन की एक सोच होती है विस्तारवादी सोच, यानी कि चीन को लगातार अपनी लैंड को एक्सपेंड करना होता है, यानी कि उसकी इस तरह की नीति होती है कि अपनी भूमि का विस्तार करो। अब उस भूमि को विस्तार करने के लिए उसको कोई भी तरीका अपनाना पड़े, साम दाम दंड भेद, वो हर तरीका अपनाता है। अगर आपको विश्वास नहीं आएगा मेरी बात पे, लगभग चीन ने जिन भी देशों की जमीन हड़पी है वो जमीन आते ही 43%, यानी कि चीन की 43% लैंड ऐसी है जो चीन की एक्चुअल में है ही नहीं, और वो बेसिकली लैंड बिलोंग करते तुर्किस्तान से, मंगोलिया से, इंडिया से। अच्छा, जो इंडिया का चीन ने क्षेत्र कब्जाया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली अक्साई चीन। तो अक्साई चीन भी चीन ने कब्जाया हुआ है, मंगोलिया का कुछ हिस्सा कब्जाया हुआ है, तिब्बत का कुछ हिस्सा कब्जाया हुआ है, तुर्किस्तान का कुछ हिस्सा कब्जाया हुआ है। और देखा जाए ओवरऑल 14 यानी कि 14 देश ऐसे हैं जिनसे बेसिकली चीन की बाउंड्रीज अटैच होती हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत से विवाद है, डिस्प्यूट है चीन का, चीन का जो डिस्प्यूट है वो है टोटल ऑल ओवर 21 कंट्रीज से। तो आप देखिए चीन किस तरह का एक धोखेबाज देश है। हमें संभल तो जाना चाहिए था बहुत पहले ही, हमें चीन के प्रोडक्ट खरीदने बंद तो कर देने चाहिए थे बहुत पहले ही, लेकिन अभी देर से समझ में आया तो अभी ही सही। देखिए दोस्तों, आपको कभी भी गवर्नमेंट नहीं कहेगी कि आप चीन के प्रोडक्ट मत खरीदिए। देखिए गवर्नमेंट का और चीन का आपस में जो रिलेशन है वो उसको रिलेशन को कुछ ऐसी इंटरनेशनल पॉलिसीज होती है कि वो चाह के भी अपनी जनता से नहीं बोल सकती हैं। लेकिन ये तो हम लोगों को समझना पड़ेगा ना, हमें यहाँ पर अपनी यूनिटी दिखानी पड़ेगी ना कि हाँ, कि अगर तुमने हमारे 20 जवान मारे तो 20 जवानों के मारने के बदले जो तुम हमसे अर्न करते हो ना, कई सौ बिलियन डॉलर, ठीक है, उसकी चपत हम आपको लगाने वाले हैं। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं चीन के खान पान के बारे में, आप सभी अवेयर है कि चीन सब कुछ खा लेता है, चाहे वो सांप हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो मगरमच्छ हो, कुछ भी हो। इवन मैंने एक बार देखा टीवी पे कि चीन के लोग क्या करते हैं कि अगर उनको सांप खाना होता है तो वो जिंदे सांप को, ठीक है, टप में डाल के उसके ऊपर बिल्कुल गर्म पानी डाल देते हैं, वो मर जाता है और फिर उसको छील के खाते हैं। तो इस तरह का तो देश है चीन। दूसरा, देखिए चीन इस तरह का देश है, जब वहाँ पे कोई मरने वाला होता है या फिर ऑलरेडी किसी को लगता है कि हाँ पर्टिकुलर डे में या आने वाले टाइम में उसकी डेथ हो सकती है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, मोस्टली वहाँ के लोग अपनी बॉडी को डोनेट कर देते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि भाई हमारे मरने के बाद जो हमारी बॉडी होगी आप उसको भी खा लीजिएगा। तो इतना गंदा देश है चीन। जितने ही मेरे नोइंग पर्सन है जो चीन से होकर के आ चुके हैं, वो 10 दिन भूखे रहे हैं चीन में, क्योंकि चीन में तो इस तरह की चीज़ें मिलती है, मछली, छिपकली, केचुआ, सांप, अब वो तो हम लोग नहीं खा सकते हैं ना, तो उन लोगों ने बेचारों ने दूध पी के ही काम चलाया। दूसरा, मैं एक बात में डिस्कस करना चाहता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर इन केस जिस तरह का डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और चीन के बीच में, और अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं इंडिया और चीन के बीच में, तो उस कंडीशन में हमारी आर्मी कहाँ तक सक्षम है। देखिए क्या होता है, आए दिन
भारत छोटे छोटे आतंकवादियों से लड़ता रहता है, भारत के सैनिक। तो लगातार क्या है, हमारे जो इंडियन आर्मी है वो एक्टिव है। जबकि अगर मैं बात करूँ चीन की आर्मी, तो चीन की आर्मी को युद्ध लड़े हुए काफी लंबा समय हो चुका है, और जबकि जो भारत की सेना है वो छोटे छोटे युद्ध लड़ती रहती है आए दिन। कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तो कभी वो एयर स्ट्राइक करती है, कभी वो चीन या पाकिस्तान के आतंकवादियों को उनके घर में ही घुसकर मारती है। तो इस तरह का काफी लंबा अनुभव हो चुका है भारत के सैनिकों को, कि अगर इन केस लड़ाई होती भी है तो देखा जाए तो जो चीन के सैनिक हैं उनको कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं लड़ने का, ना उनको कोई अनुभव है। तो ऐसी कंडीशन में जो भारत के सैनिक है वो चीन के सैनिकों के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं कि चीन की टोटल ऑल ओवर सैनिक क्षमता कितनी है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीन की एक्टिव आर्मी है 21 लाख, यानी कि 21 लाख। और अगर मैं इंडिया की आर्मी की बात करूँ तो इंडियन की आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो है 14 लाख एक्टिव। तो देखा जाए तो चीन के कंपैरेटिवली हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ तो कम है, लेकिन जो चीन के रिजर्व सेना है वो है 5 लाख, और लेकिन इंडिया की जो रिजर्व सोल्जर्स है वो है 21 लाख। तो देखा जाए 21 प्लस 14 कितने हुए, टोटल 35, यानी 35 लाख सैनिक टोटल ओवल और ओवर चाइना के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। देखिए दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इन केस अगर युद्ध होता भी है चीन के और इंडिया के बीच में, तो चीन में एक नेगेटिव बात और है। देखिए वहाँ पे क्या था, 1979 से लेके 2015 तक चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी थी, कि यानी कि हर एक परिवार में केवल एक ही चाइल्ड होगा, यानी कि एक ही बच्चा होगा। तो वहाँ के जो सैनिक होते हैं वो अपने परिवार का एकमात्र सहारा होते हैं। तो अगर युद्ध की कंडीशन बन भी पाती है तो काफ़ी सैनिक हो सकते हैं कि जो अपने परिवार के बारे में सोचें। हो सकता है कि वो उस टाइम युद्ध को छोड़ करके अपने परिवार के पास चले जाए। अच्छा, दूसरा ये होता है वहाँ के जो सैनिक हैं वो काफ़ी आराम तलबी होते हैं, ठीक है। उनसे जो युद्ध जैसे हालात होते हैं वो उनसे सहन नहीं हो पाते हैं। दूसरी, अगर मैं आपसे बात करूँ तो टोटल ऑल ओवर 20% जो सोल्जर्स है चाइना के वो है अनफिट। देखिए अनफिट यहाँ पे कहने का इन द सेंस ये होता है मेरा, कि वो जो सोल्जर्स होते हैं चाइना के वो अनफिट इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी युद्ध तो लड़ा नहीं है, ठीक है। अगर वो कभी युद्ध भी लड़ते हैं तो वो ऐसा ही युद्ध लड़ पाएंगे कि वो उनके हिसाब से हुआ ना हुआ बराबर रहेगा। दूसरा, जो भी आप चीन की वीडियो देखते हैं, चीन जो भी वीडियोस पब्लिश करता है कि अपनी आर्मी की या उसकी आर्मी एक्सरसाइज कर रही है, कि मतलब एक युद्ध अभ्यास कर रही है, तो वो टोटल जो भी वीडियोस होती है ना वो केवल दिखावे के लिए होती है। एक्चुअल में उतनी भी पावरफुल चाइना की सोल्जर्स है नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मुझे कुछ सुझाव देना है, अगर आपको कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे और किसी मुद्दे पे बात करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और मुझे सजेस्ट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।